चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज लास्ट टॉपिक रहेगा, आज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। अब भी हम लोग देखेंगे रिलीजियस लाइफ, उन लोग का रिलीजियस लाइफ कैसा था, कौन सा धर्म को उन लोग फॉलो किया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। एंशियंट मेसोपोटामियंस लोग बिलीव मानते थे कि जो गॉड्स है, गॉड्स का बॉडी है और उन लोग का ह्यूमन का जैसा सेंस है, आंख नाक कान मुंह, वैसे ही सेंसेस आपको जाकर गॉड का भी है। जिस तरीका से इंसान को खुशी रहने का, अपना डिजायर पूरा करने का, अपना नरिशमेंट न्यूट्रिशन जरूरत होता है, उसी तरीका से गॉड को भी, जो देवी देवता है, उनका भी डिजायर, उनको भी नरिशमेंट चाहिए, उनको भी एंजॉयमेंट चाहिए। तो उनको एंजॉयमेंट कैसा मिलेगा, इंसान को एंजॉयमेंट क्या करता है, खा के पी के घूम फिर के एंजॉयमेंट करता है। उसी तरीके से अगर आपको गॉड को एंजॉयमेंट देना है, गॉड को नरिशमेंट करना है, उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, गॉड का वर्शिप करना पड़ेगा, यही गॉड का नरिशमेंट होता था, ये मानना था मेसोपोटामियंस के लोगों का। और मेसोपोटामियंस लोग मानते थे कि जो गॉड से जो भी नेचुरल कैलामिटीज होता है वो सब गॉड की तरफ से होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड, ये सब किसका गॉड की तरफ से होता है। तो इस वजह से गॉड नेचुरल कैलामिटीज ला सकता है, तो लोग जो थे मेसोपोटामिया के लोग गॉड से डरते थे और वो चाहते थे कि गॉड खुश कैसे होगा और गॉड नेचुरल कैलामिटी नहीं लाएगा, इसके लिए वो लोग गॉड को चढ़ावा चढ़ाते थे, सैक्रिफाइसेस किया करते ताकि गॉड उन पर अपना कृपा बनाए रखे। तो उन लोग क्या करते थे, टेंपल बनाते थे और टेंपल में गॉड्स के भक्ति किया करते थे, तो डिवोशन करते ताकि उन लोगों पर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आफत ना आए। जो टेंपल होता था माना जाता था गॉड का वो घर, यानी कि भगवान देवता का घर है, और वहां पर प्रीस्ट लोग को रखा जाता था, वो प्रीस्ट लोग आपका जाकर वहां देखभाल करता था। तो वो क्या करता था, नहलाया धुलाया करता था, जो देवी देवता थे उन्हें ड्रेस पहनाया करता था, उन्हें खिलाता था, इंटरटेन करता था और गॉड्स के बारे में बताता था, मतलब पूजा पाठ जिस तरीका से होता वैसा करता था। अगर प्रिस्ट, प्रिस्ट का जिम्मेदारी था कि देवी देवता का ध्यान रखना और टेंपल का ध्यान रखना, और इसी के कारण से प्रिस्ट लोग का जो सोसाइटी में जो प्लेस था, रोल था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पंडित पुरोहित थे, उन लोगों का रोल इतना इंपॉर्टेंट था जिसका वजह से उन्हें सोसाइटी में ऊंचा मुकाम हासिल था, यानी कि फर्स्ट क्लास में उन लोग को कैटेगरी में फॉल करते थे, ठीक है। और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होने का कारण जो प्रिस्ट थे उस दौर के, वो पावरफुल भी होना शुरू हो गए, पावरफुल भी बहुत थे। आर्किटेक्चर देख लेते, उन लोग कैसे कैसा टाउन प्लानिंग, उन लोगों का टाउन प्लानिंग, उन लोगों का शहर बनाने का तरीका कैसा था। देखिए जो मेसोपोटामियंस है उन लोग सिटी डेलर्स थे, उन लोग छोटे छोटे शहर में रहते थे और उन लोग कैसा शहर बनाते थे, चारों तरफ से दीवार उठा लेते थे, बीच में शहर रहता था ताकि कोई भी अटैक बाहर से ना कर सके, और हर टाउन का मिडिल में एक टेंपल कॉम्प्लेक्स था जहां पर देवी देवता को रखा जाता था। मतलब टाउन का जो बीच का जो सेंटर होता था वो वहां पर मंदिर हुआ करता था जहां पर देवी देवता रहा करते थे। सड़क जो होता था वो नैरो होता था और अनपेव्ड होता था, यानी कि उधर पर कोई भी फुटपाथ उस टाइप का नहीं बना हुआ होता था, ठीक है। तो उन लोगों का शहर किससे बना हुआ था, सन बेक ब्रिक से बना हुआ होता था। जो अमीर क्लास थे उन लोग टू स्टोरी बिल्डिंग में रहा करते थे, मतलब दो फ्लोर होता था हाउस का, उसमें रहा करते थे जो अमीर लोग होते थे। और उन लोगों का बहुत सारा रूम होता था, किचन, बाथरूम, बेडरूम, रिसेप्शन रूम, सर्वेंट लॉक वाटर। तो जो अमीर आदमी था उसका बड़ा घर होता था, दो फ्लोर हुआ करता था, और उसके लिए बाथरूम बेडरूम सब अलग अलग होता, रिसेप्शन रूम सर्वेंट लोग का अलग से क्वार्टर भी होता था, ये सब अमीर लोग का। फर्नीचर आपका जाकर जो उन लोग बनाते थे, वुडन चेयर बनाते थे और लोड टेबल्स होता था, मैं नीचे टेबल्स का हाइट होता वो लो होता था, और जो चेयर होता था टेबल्स होता वो लकड़ी से बनता था। और जो गरीब लोग होते थे उन लोग दो या तीन ही रूम में रहा करते थे और उन लोगों का ओपन कोर्टयार्ड होता था। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो मेसोपोटामिया लोग बनाए, पहला हैंगिंग गार्डन बेबीलोन का, जो आप लोग सब जानते हैं ये एंशियंट वर्ल्ड का आपका जाकर सेवन वंडर्स में आता है, सेवन वंडर जो है एंशियंट वर्ल्ड का उसमें आता है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर का। तो ये आप लोग अगर कभी मेसोपोटामिया इराक अगर जाते हैं तो ये हैंगिंग गार्डन देख सकते हैं, और ये हैंगिंग गार्डन बहुत सारा मूवी में भी दिखाया गया है, और सेवन वंडर्स तो ये है ही। इसे हैंगिंग गार्डन क्यों बनाया बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा इसका हाइट ऊंचा होता था, ऊपर में टेरेस जो होता था ग्राउंड से ऊंचा होता था, और आप पिक्चर में देख ही सकते हैं स्लैब से जो स्टोन का स्लैब होता था उससे आपको जगह जो टेरेस है वो बनता था। इसका हाइट 25 मीटर हुआ करता था, गार्डन का लंबाई 120 मीटर लॉन्ग होता था। यहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता था, छोटा बड़ा प्लांट, और इसके जितना भी छत बोली इसके जमीन बोली चारों तरफ प्लांट्स को उगाया जाता था, इसी के लिए हैंगिंग गार्डन कहा जाता है। जिगरूट जिसे टेम्पल टावर भी कहा था, ये जिगरूट जो आप पिक्चर में देख रही है बहुत एक फेमस ये जिगरूट, ये कैसा लग रहा है, ये आपको पिरामिड टाइप का लग रहा है, इसे जिगरूट भी कहा जाता था, इसे टेम्पल टावर भी कहते थे मेसोपोटामियंस के लोग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मेसोपोटामियंस लोग के द्वारा बनाया गया, जिगरूट जिसे टेम्पल टावर भी कहा जाता था। ये वर्ड जिगरूट है ये वर्ड आया है अकेडियन वर्ड से, जिसका माना जिकूट फ्राटू, जिसका मतलब होता है राइजिंग बिल्डिंग,
राइजिंग बिल्डिंग मतलब जमीन से उठा हुआ बिल्डिंग, राइजिंग मतलब जो उठा हुआ हो जिसका हाइट ज्यादा हो, राइजिंग बिल्डिंग ठीक है। ये एकेडियन वर्ड है और ये जिगरूट जो होता था इसे सिर्फ और सिर्फ राजा ही बनाता था। जितना भी जिगरूट है हर टाउन में अलग अलग जिगरूट और हर जिगरूट का अलग अलग डीटी था, अलग अलग जिगरूट यानी कि मंदिर, हर टाउन में अलग अलग मंदिर होता था और हर मंदिर का अलग अलग देवी देवता होता था। और ये जो जिगरूट है ये कैसा दिखता है आपको लगेगा, पिरामिड शेप का ये जिगरूट हुआ करता था, रेक्टेंगुलर ओवर स्क्वायर स्क्वायर प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। और जिगरूट का जो ऊपर में जो आपका जाकर ये जो ऊपर में आप देख रहे एकदम हाइट में, ये जो जिगरूट का यानी कि मंदिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है यहीं पर देवी देवता को रखा जाता था। उसको जिगरूट इतना होता था जिसमें तीन तीन सीढ़ी हुआ करता था ऊपर श्राइन में पहुंचने के लिए। तो ये तो हो गया कुछ फेमस बिल्डिंग्स। अब हम लोग पढ़ते आर्क एंड आर्किटेक्चर में इन लोग ने क्या किया। देखिए मेसोपोटामिया लोग अच्छा स्क्रप्चर मतलब मूर्ति उर्ति बनाने में बहुत अच्छा उन्हें एक्सपर्टीज था, उन लोग बहुत डेकोरेटिव काम करते थे, बहुत सजावट गुजावट में ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि जो मेसोपोटामियन के जो लोग थे उन्होंने बहुत मस्कुलर और एकदम हेल्दी किस्म के लोग थे, तो उन लोग आसानी से कोई भी पत्थर को तराश कर कोई भी उसे स्कल्पचर बना सकते थे। तो उन लोगों का ताकत का उन लोग अपना इस्तेमाल किए बड़ा बड़ा मंदिर बनाने में, वहां जाकर स्कल्पचर बनाने में। बहुत सारे जानवर लोगों का भी फिगर यानी कि मूर्ति बनाया गया, उसको बहुत अच्छा से तराशा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो सील और मेटल वर्क है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क है मेसोपोटामियन के लोगों का। और ये जो आपका मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील जो है ये दर्शाता है कि उन लोग कितना अच्छा से पिक्टोरियल आपका जाकर डिजाइन बनाते थे और उन लोगों का कितना फाइन आर्ट हुआ करता था। तो आर्ट के मामले में उन लोग बहुत एडवांस थे। और अचीवमेंट उन लोगों का क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्मुराबी उस दौर का राजा था जो मैंने आपको बताया ही है, उसने एक कानून लिखाया था, उस कानून के हिसाब से सबको सजा मिलता था, हर किसी को कानून फॉलो करना पड़ता था। तो हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ जो है ये ओल्डेस्ट कोड माना जाता है अब तक जो एग्जिस्टेंस में आया है, जो सबसे पुराना कानून माना जाता है या पुराना कानून में से एक माना जाता है। अभी और भी अगर कुछ जमीन खुदाई हुआ तो निकलेगा, तो हो सकता है इससे पुराना भी निकल सकता है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ माना जाता है हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। और ये एक यूनिफॉर्म में लिखा हुआ था, एक ब्लैक कलर का पत्थर है समझ लीजिए, मॉन्यूमेंट टाइप का, 8 फीट इसका हाइट है। और ये जो देख रहे सिलेंडर टाइप का, ये जो देख के लगेगा कि ये कोई स्क्रिप्चर है, लेकिन ये क्या है, ये सील है, मतलब स्क्रिप्चर ही टाइप का है, लेकिन इसी में पूरा कानून लिखा हुआ है। 8 फीट इसका हाइट है। इसमें बताया गया पनिशमेंट देने के लिए, पनिशमेंट कितना सख्त पनिशमेंट होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, कितना तरह का कानून, कौन सा कानून किस लिए, कौन सा जुर्म के लिए क्या सजा, ये सब लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ में क्या क्या लिखा हुआ होता था। कुछ कानून जो मैं तो पूरा नहीं बताता हूँ, क्योंकि पूरा जानने के लिए आप हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ को पढ़ सकते हैं, अगर होगा तो मैं आपको वीडियो में कल एंड में दिखा दूंगा हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ में कितना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अभी उसमें ध्यान नहीं दे, कुछ बात आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप जान लीजिए कि हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ में क्या लिखा हुआ था, कुछ बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ फॉलो करता था आपका टूट फॉर टूथ, मतलब दांत को दांत, जान का बदले जान, मतलब टिट फॉर टैट का कानून पे बिलीव करता था हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। अगर कोई अपना बाप को निकाल देता है, अगर मान लो कि कोई अपना बाप को मारता है तो जो राजा है उसका बच्चा का उंगली को काट देना चाहिए, ठीक है, पहला कानून ये है। फिर अगर कोई इंसान, अगर कोई एरिस्टोक्रेट है उसका आंख फोड़ देता है तो वो जो आदमी उसका भी आंख फोड़ने का सजा उसे मिलेगा, ठीक है। मानी कोई एरिस्टोक्रेट कोई अमीर इंसान है, वो कभी कोई अमीर इंसान का आंख फोड़ देता है, नॉर्मल आदमी कोई अमीर इंसान का आंख फोड़ देता है तो वो जो एरिस्टोक्रेट उसको भी ये इजाजत है कि वो भी उस आदमी का आंख फोड़ दे। अगर मान लिया कोई इंसान, कोई कॉमन इंसान मतलब नॉर्मल इंसान है, वो कोई एरिस्टोक्रेट राजा राजवाड़ा या फर्स्ट क्लास से बिलोंग नहीं करता, वो नॉर्मल इंसान है, अगर कॉमन पर्सन है, अगर कॉमन पर्सन का आंख तोड़ देता है तो उसके लिए एक मीना सिल्वर का पे कर दिया। मीना आपका जाकर एक उस दौर में वेटिंग सिस्टम को ले आता, समझ लीजिए आज का 1 किलो समझ लीजिए उस टाइम का एक मीना हो, आज हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते उस टाइम का वेट मापने को यूनिट, उस टाइम का यूनिट था आपका जाकर मीना। अगर कोई कॉमन आदमी का कोई आंख तोड़ देता है, मतलब कोई कॉमन आदमी है लड़ रहा, अगर वो कोई कॉमन आदमी किसी आंख तोड़ दिया उसके लिए क्या उसको सजा देने का, बस एक मीना सिल्वर का पे कर देना है। लेकिन वही एक नॉर्मल आदमी अगर कोई एरिस्टोक्रेट का आंख फोड़ देता है तो वो एरिस्टोक्रेट उसका भी आंख फोड़ देगा। देखिए इधर पर कानून में बहुत सारा डिस्प्यूट है आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई औरत है वो अपना घर को देखभाल नहीं करती, अपना हस्बैंड का साथ सही से व्यवहार नहीं करती है, तो हस्बैंड का ये जिम्मेदारी है कि वो औरत को घर से बाहर निकाल कर रास्ता में फेंक दे, ये कानून में लिखा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कानून कितना एप्रोप्रिएट था क्या नहीं था, बस ये तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, ये सब कुछ कानून में लिखा हुआ था हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में इन लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को डेवलप किए, जो 60 कोई भी चीज 60 से हम लोग डिनोट करते हैं वो कहाँ से आए, वो यहीं से आए, जिससे कि हम लोग एक मिनट
में 60 सेकेंड होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है, ये सब एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो ये सब कहाँ से हम लोग को मिला? ये सब चीज सबसे पहले मेसोपोटामिया हम लोग लेकर आए। 60 यूनिट का जो नंबर का जो सिस्टम ओरिजिनेटेड मेसोपोटामिया से होता है। आज जो हम लोग 360 डिग्री या सर्कल हो, एक घंटा में 60 मिनट हो, ये सब चीज हम लोग कहाँ से मिलता है? यही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से मिलता है। फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला, ट्रायंगल हो, इररेगुलर फोर साइडेड फिगर हो, ये सब का भी फॉर्मूला, कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, ये सब भी हम लोग को कहाँ से मिलता है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों से ही ये सब हमें जानकारी मिलता है कि उन लोग ये सब सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन लोगों का क्या क्या योगदान है? व्हील, जो चक्का हम लोग देखते हैं पिक्चर में, आप देख सकते हैं ये चक्का भी उन्हीं लोगों ने डेवलप किया था। व्हील का इन्वेंशन मेसोपोटामियन लोगों ने किया था 3500 BCE में। ये इन्वेंशन इंसान का लाइफ को बहुत आसान बना दिया था, क्योंकि व्हील से कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरा जगह कैरी कर सकते थे। व्हील को लगा दिया कोई कार्ट में और आराम से एक जगह से दूसरा जगह लेकर चले गए। व्हील से क्ले पॉट भी बनाया जाता था आसानी से, जो कुम्हार लोग देखते हैं ना, व्हील्स के जरिए से ही ना शेप देता है पॉट को, तो ये भी उसी दौर से निकला है। फिर जब इसे अच्छा अच्छा सोफिस्टिकेटेड पॉट बना, तो उसमें आसानी से हम लोग ज्यादा अनाज स्टोर करके रख सकते थे खाना पकाने के लिए। फिर कैलेंडर सिस्टम, मेसोपोटामिया लोग ने जो लूनर कैलेंडर यानी कि चांद को देखकर चांद के हिसाब से साल को गिनना, ये कैलेंडर स्टार्ट किया था मेसोपोटामियन लोग, और यहीं से आपको जाकर सोलर ईयर का भी बहुत लिंक मिलता है। अगर कोई बोले लूनर कैलेंडर कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, ये मेसोपोटामियन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सीडर प्लो, इसका भी इन्वेंशन मेसोपोटामियंस लोगों ने किया था, और ये सबसे मेजर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट था आपका जाकर मेसोपोटामियन लोगों का। इसने क्या किया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की दुनिया में क्रांति ला दिया था। इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन HYVC क्या किया, 20th सेंचुरी में क्या कर दिया था, आपका जाकर रिवोल्यूशन ला दिया था एग्रीकल्चर का। फिर उसी तरीके से ये जो सीडर प्लो है, ये इसका इन्वेंशन ने उस दौर में क्या कर दिया था, एक रेवोल्यूशन ला दिया था। इसमें क्या था, जो काम था सीड को प्लो करना और आपका जाकर सीड को जमीन में बीज को देना, उसको प्लो करना, ये सब काम दोनों एक साथ होता था ये सीडर प्लो का मदद से। फिर व्हील कार्ट और कैरियर, घोड़ा गाड़ी, इसका भी इन्वेंशन आपका जाकर मेसोपोटामियन लोगों ने ही किया था। तो हम लोगों ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज गैदर कर लिया है। ऐसे ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और भी मैं बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में लेकर आऊंगा। अभी बहुत सारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, मायन सिविलाइजेशन है, इनका सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन और भी कुछ ऐसा सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते, उसका बारे में भी मैं लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छा व्यू मिले। फिर उसके बाद मैं जो हिस्ट्री का सीरीज, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और मेरा साथ देते रहे, तो मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा जनरल पर्सपेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हो कि ये दुनिया आखिर कैसे करके चलता है। जियोपॉलिटिक्स का अच्छा सिस्टम आपका जाकर जनरेट हो दिमाग में, और आप चाहे एग्जाम दीजिए या नहीं दीजिए, या आप एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जाते जाते एक हेरिटेज साइट है असुरबल, एक जगह वही मेसोपोटामिया का जगह है। आज ये जो असुर जो है आपका जाकर, असुर मतलब दानव मत समझ लीजिए, ये असुर एक जगह का नाम है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौर में। आज का जो मॉडर्न डे इराक है, मोसुल शहर नाम जानते ही, मोसुल शहर जो आपका जाकर बहुत दिन पहले न्यूज में था वहां पर जो सिविल वॉर के कारण, तो मोसुल में नॉर्दर्न इराक में पड़ता है, वहां से 60 माइल दूर में ये जो रुइन है आपका जाकर, यानी कि उसका अवशेष मिलता है। ये जो असुर जो साइट है मोसुल में, ये आपका जाकर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशियंट मेसोपोटामियन का साइट है। इसका माना जाता है 3rd सेंचुरी BCE में ये शहर को बनाया गया था। ये पहला कैपिटल था असीरियन एम्पायर लोग का, और इसका जो नाम है मेसोपोटामियन गॉड का नाम से पड़ा है उसका, जिसका नाम था असुर, एक मेसोपोटामियन गॉड है असुर, उसी का नाम से ये शहर का नाम असुर पड़ा है। देखिए, जब असीरियन लोग ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया कल्हू में, असुर फिर भी एक रिलीजियस कैपिटल के तौर पर और कमर्शियल इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना रहा, भले ही असीरियन लोगों ने ये जो आपका जाकर असुर शहर, इससे अपना कैपिटल शिफ्ट कर कल्हू लेकर चले गए, लेकिन फिर भी ये शहर का इम्पोर्टेंस इतना था कि लोग इसे कैपिटल ही मानते थे, कमर्शियल सेंटर फिर भी बना रहा। और इतना ये शहर का इम्पोर्टेंस था कि कोई भी राजा को ताजपोशी करना हो, या कोई भी राजा जब मर जाता था, असीरियन राजा का बात कर रहा हूँ, सब मेसोपोटामियन राजा का नहीं, कोई भी असीरियन राजा को अगर ताजपोशी करना है, भले उसका कैपिटल कल्हू हो गया, लेकिन वो अपना ताजपोशी कराने के लिए असुर शहर में आता था। अगर कोई राजा असीरियन राजा अगर मर जाता था, उसको दफन भी उसे यहीं पर लाके किया जाता था असुर शहर में। तो असुर शहर का कितना इम्पोर्टेंस है। फिर ये शहर को किसने डिस्ट्रॉय किया, बेबीलोनियन लोग का जो दौर वापस आया, जो बेबीलोनियन लोग ने टेक ओवर किया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, बेबीलोनियन लोग ने क्या किया, ये शहर को बर्बाद कर दिया। फिर इसे
फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी सीई में फिर से रिवाइव किया गया। देखिए सबसे पहले इसका एक्सकैवेशन और इसको सबसे पहले से खोज के निकालने वाले का नाम एक जर्मन एक्सपेडिशन भेजा था आपका जाकर इराक में, जिसको लीड कर रहे थे वाल्टर आंड्रे। तो वाल्टर आंड्रे का नेतृत्व में एक जर्मन एक्सपेडिशन टीम इराक जाता है और असुर शहर को खोज निकालता है। और यहाँ से बहुत सारा आपका जाकर रिमेन्स मिलता है पब्लिक और रेसिडेंटल बिल्डिंग का असुर शहर से। यहाँ पर बहुत सारा टेम्पर है, असुर इनलील, अनु आदात, शिन सांसा और अस्तर और नबू, ये सब मेसोपोटामियन गॉडेस है। इन लोग का भी जो टेम्पल है ये शहर से में खुदाई के दौरान ये सब मंदिर भी यानी कि टेम्पल भी शहर से आपको जाकर एक्सकैवेशन करके दौरान निकला है। टेम्पल के अलावा यहाँ पर तीन और चीज पाया गया है। सबसे ओल्डेस्ट चीज जो है शमसे आदाद वन, जो राजा गुजरा है आपको जाकर उसका पैलेस भी मिला है आपको जाकर इस शहर में। फिर वहां पर टूम भी मिला है जहां पर राजा को मरने के बाद उसे दफन कर दिया जाता था। फिर प्राइवेट हाउस भी मिला है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बहुत सारा आर्काइव मिला है, लाइब्रेरी भी मिला है इस शहर को खुदाई के दौरान। असुर को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। तो दोस्तों हम लोग ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और जाना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन था, क्यों इसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग के लिए और भी आने वाला है।